हेलो डिवाइन फाइनेंस, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज है 10-10 पोर्टल की ओपनिंग, ठीक है? आज से 10-10 पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में मैं शुरू से इस मंथ में बताती चली आ रही हूँ आपको कि और लास्ट में 9-9 पोर्टल जब चल रहा था, ठीक है, एंड हो रहा था, उस टाइम में मैं बता रही थी कि 10-10 पोर्टल में कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी रहेंगी, यहाँ पर बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, लाइक, ठीक है, जिसमें कि सबसे स्पेशल चीज़ श्राद्ध का समय इस मंथ में भी आया, पिछले मंथ से 9-9 पोर्टल से, और पिछले मंथ में भी रहा, ठीक है। तो वहाँ से एंसेस्टर्स के जो भी मिरेकल्स थे वो, और जो भी एनर्जी थी वो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो अपने पावर्स, वो भी उनकी जो भी पावर्स इस वक्त रही थी वो आपको शेयर करके गए हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स देके गए हैं, बहुत भरपूर ब्लेसिंग्स देके गए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ 10-10 पोर्टल पे तो बात करूँगी ही करूँगी, साथ में DMDF एनर्जी पर भी बात करूँगी, तो उनकी चैनलिंग भी मैं इसी वीडियो में कर दूँगी आप लोगों की, ठीक है। जिससे फिर वीडियोस मुझे थोड़ा रहता है ना, मैं काम वगैरह भी करती हूँ घर के, तो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, फिर वो चीज़ है। और अभी चैनलिंग हो रही है इंटरनली, तो मैंने सडन से ये चीज़ बोल दी आप लोगों को, ठीक है। तो जो 10-10 पोर्टल है, इसमें सबसे खास बात तो ये है कि एक तो एंसेस्टर्स के जो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स हैं वो सारा कुछ आपको प्रॉपर आपके लिए है, आपके एंसेस्टर्स का, आपके एंजल्स का, आपके जो भी ईस्ट हैं उनके जो भी इस वक्त ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए वर्क कर रही हैं, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ 10-10 पोर्टल में हो रही है वो एक हैप्पीनेस वाली वाइब है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं फील भी हो रही है। बेशक आप पर्जिंग में जा रहे हो, बेशक आप किसी भी एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, बेशक आप ड्रेन भी हो रहे हो, कार्मिक से ट्रिगर हो रहे हो या फिर कुछ भी हो रहे हो, बैलेंस हो इम्बैलेंस हो, मैं बोध को ले रही हूँ इसमें 10-10 पोर्टल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी हो रहा है लेकिन आप सडन से फिर हैप्पी एनर्जी में ऐसे आ जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अगर रोना भी आता है तो रोना आ रहा है फिर फ़ौरन से फिर वापस से आप ऐसे ही हैप्पीनेस ऐसी वाइब में आ जाते हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो वाली एनर्जी, ठीक है। यस, बहुत सारे DFs के अब भी एनर्जी कुछ इस तरीके की चल रही है, या तो वो नींद आ रही है उन्हें बहुत ज़्यादा, या तो बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। पर बहुत कम ऐसी DFs है जिनके साथ ये सिचुएशन बन रही है कि वो रेस्टलेस हो रही है। बाकी अगर और DFs की बात करूँ तो उनका प्रॉपर अभी रूटीन अच्छा चल रहा है, काफ़ी कुछ उसमें चेंज आए हैं इस पोर्टल में, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि जो रेस्टलेस पोर्टल था वो 9 और 8 था, ठीक है, वो कार्मिक एनर्जीज से और रिलीज से जुड़ा हुआ था कार्मिक्स के, ठीक है। तो अगर वो आपने आपका वहाँ पे अभी भी कर्मा बैगेज चल रहा है, कार्मिक एनर्जी बैगेज है अभी भी, तो शायद से आपके ये इश्यूज अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, 10-10 पोर्टल में भी। दूसरी चीज़, फ्लो और अपने जो भी सरेंडर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, फ्लो में नहीं आए हो, ठीक है, एक्सेप्टेंस में नहीं आए हो, सरेंडर में नहीं आए हो, तो भी आप बहुत बड़ी गलतियाँ करोगे इस वक्त। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने फ्लो और सरेंडर पे बनाया है तो वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके ही कमेंट्स पे वो वीडियो बनाया था। तो अर्जेंट मैसेजेस में मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी उसको, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक जो चीज़ देख पा रही हूँ, यहाँ पे नवरात्रों की जो एनर्जी वो आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई है, वो आपके लिए लेकर के आई है माता रानी, जो इस वक्त आपके लिए लेकर के आई है वो बहुत कुछ लेकर के आई है। एक तो आपकी सारी जो भी जर्नी चल रही है, सारी रक्षा का भार अभी महाकाली के हाथ में है, ठीक है, प्रॉपर जो अभी आपकी जर्नी का भार है वो शिव और शक्ति के हाथ में है, ठीक है, और शक्ति मीन महाकाली के हाथ में है इस वक्त। तो आप में से बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो न्यू बिगिनिंग भी फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर कहीं न्यू बिगिनिंग अगर डिसाइड की हुई है यूनिवर्स ने और आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो, तब आप बहुत अजीब वाली एनर्जी में हो, आप मतलब चीज़ों को आगे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स मीन आप अपनी न्यू बिगिनिंग तक टाल रहे हो इस वक्त। बहुत सारे DFs ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो ये मैसेज भी मैं उनको दूंगी, क्योंकि पता नहीं अलग से ही अपने आप ही अंदर से आया ये, और कॉलिंग जो भी मेरे माइंड में अभी आ रहा है कॉलिंग में, मैं आपको सब कुछ क्लियर किए जा रहे हूँ, ठीक है। और अगर इस पोर्टल की मैं बात करूँ तो इस पोर्टल में माता रानी आप लोगों की एक तो इस जर्नी को अपने हाथ में ले चुके हैं, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है यहाँ पे, बहुत टाइम से चल रहा है, बट अब तक चीज़ें शिव के हाथ में थी लेकिन अब शक्ति के हाथ में भी हैं, ठीक है। और शक्ति जब अपने हाथ में लेती है तो अपने बच्चों की डोर वो किसी के हाथ में फिर देती नहीं है बहुत जल्दी,
वो अपने हिसाब से चीज़ चलाती है, फिर वो बच्चों की भी नहीं सुनती है, क्योंकि बच्चों के जो डिसीजंस होते हैं वो बच्चा बुद्धि होते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब बहुत बार हम क्या करते हैं, जिद में अपने सिर्फ 3D थॉट्स के चलते हम बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर। तो ऐसे में ना हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें किस तरफ चीज़ों को लेकर के जाना है और कैसे लेकर के जाना है, ठीक, किस वे में चीज़ें जाएंगी, ठीक है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। जब हमें वो क्लियर होगा तो हम गलतियाँ कम करेंगे, गड़बड़ कम करेंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। एक जो चीज़ मैं अभी देख पा रही हूँ टेंटन पोर्टल में, वो ये भी है कि जो ये टेंटन पोर्टल है इसमें काफ़ी सारे मिरेकल्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है बहुत टाइम से कि फाइनेंशियली यस है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी है। तो जो अभी आपके पुराने ओल्ड हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, लाइक बहुत सारे डीवीएफ्स के साथ तो ये चीज़ होती है कि वो फीवरिश फीलिंग में ही रहते हैं बहुत सारे, लेकिन अब अगर उनका कोई फीवरिश सिचुएशन ऐसी थी जो इंटरनल चल रही थी बहुत टाइम से फिजिकल बॉडी में, तो वो अब सरफेस पे आएगी। इट्स मीन आप ये भी कह सकते हो कि अरे नहीं हम तो बीमार हैं, हमें ये हो गया, हमारे डॉक्टर ने टेस्ट किया तो हमारा ये निकला वो, हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मैंने क्या बोला, सॉल्व होंगे, सॉल्व होंगे मीन हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होंगे। तो ख़त्म कब होंगे, जब तक वो सरफेस पे नहीं आएंगे तब तक तो ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली ना चीज़, वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारी चीज़ें जो गलतियाँ करते हो, सबसे पहला रूल होता है सेल्फ लव में आना, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव पे पर्सनली मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को, बहुत अर्जेंट वीडियो रहेगा और इसके बाद रहेगा अर्जेंट मैसेज सेल्फ लव पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कुल मिलाकर बात करूँ, ये जो टेंटन पोर्टल है वो आपकी साइकिक पावर्स के साथ साथ आपके जो एनर्जी पिक करने की जो पावर है ना उसको भी बढ़ा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने अपने सभी चक्रास को हील कर रखा है, अपने सभी चक्रास पे काम कर रखा है, तब तो वो चीज़ें आपके साथ, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस करोगे। अदरवाइज़ आप हीलिंग में ज़रूर जाओगे, बट आपको सेक्ट्रल और ये सोलर प्लेक्सस एंड थर्ड आई, ये सारे चक्रास को हील खुद करना पड़ेगा, मीन खुद ही इस पे वर्क करना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ तो आपको पता है फिर चीज़ें किस तरीके से चलती है, क्योंकि सब कुछ डिवाइनल है, आपको भी यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब कुछ अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ यहाँ पे टेंटन पोर्टल में, वो ये है कि फाइनेंशियली हेल्थ, फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिल ही रहा है, हेल्थ इश्यूज भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक हो रहा है आपका जोडियक साइन, वो बहुत हेल्प कर रहा है आपको। अब मोस्टली अगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ इस वक्त, क्योंकि एस्ट्रो की नॉलेज मुझे है तो मैं उससे रिलेटेड आपको बताती हूँ। देखिए जोडियक साइन जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है, पहले तो जोडियक साइन को समझिए। जोडियक साइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी मैसेजेस दे रहा है इस वक्त। आपका जो जोडियक साइन है वो कैसे, आपकी या तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइट, या ईयर बहुत ज़्यादा दिख रहा है बर्थ का, या मंथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मंथ और डेट बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो चीज़ आपके सामने हो रही है, या आपके DM की या DF की, दोनों की ही ये चीज़ साथ में हो रही है, ठीक है। कार्मिक्स की तो नहीं हो रही इस वक्त, क्योंकि कार्मिक्स के बर्थडेज आपको नहीं शो होंगे, क्योंकि वो आपके लिए शुभ नहीं होते हैं, ठीक है, मीन वो आपको एक सपोर्टिव एनर्जी नहीं होते वो आपके लिए, इस वजह से उनका तो नहीं इस वक्त, लेकिन आपकी DMDF एनर्जी का आपको ज़रूर शो हो रहा है। हो सकता है सोलमेट्स का भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलमेट्स एनर्जी भी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सोलमेट्स के साथ रियूनियन की सोचते हो तो फिर आप गलती करते हो, समझ रहे हो ना, फिर बहुत अजीब सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन के जो भी डिसीजंस हैं उन पे अपना जो डिसीजन है वो सोचते हो कि मतलब वो डिसीजंस वर्क करें। तो इस वजह से मैं इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो DMDF की एनर्जी है, थोड़ा सा मैं इस पर और बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे यश, आयु, बल, क्योंकि बहुत सारे जो DFs हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत बार उनको ब्लेम किया जाता है, हर चीज़ के लिए ब्लेम किया गया है, उन्हें कई दफ़ा ब्लेम किया गया है इन चीज़ों के पीछे जिनकी गलतियां वो नहीं करते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिनकी गलतियां खुद कार्मिक्स ने की होती हैं, या खुद प्लानिंग प्लॉटिंग कार्मिक की रही होती है, कार्मिक्स के द्वारा ही सब कुछ किया गया होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो दोषारोपण है वो कहीं ना कहीं DF या DMs के ज़िम्मे आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं ये गिल्ट लेकर DM DF जीते हैं, ठीक है।
तब तक जीते हैं जब तक वो उसको हील नहीं करता है। हो सकता है आजीवन भी जिए, क्योंकि वो उसको हील नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो ब्लेम उनको लगा ही रहेगा। और एक चीज़ तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त, वो सारे जो ब्लेम जो तुमको दिए गए ना, सारे के सारे ब्लेम, अब वो सारे ब्लेम कहीं ना कहीं कार्मिक्स को उल्टा पड़ रहे हैं। लाइक उनको ही कहीं ना कहीं ब्लेम, या फिर कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि उनको ही कहीं ना कहीं दोष दिया जा रहा है किसी ना किसी चीज़ के लिए, या तो वो चोरी में, ठीक है, या वो झूठ में, या किसी इल्ज़ाम में, या किसी ब्लेम में, बहुत गंदे ब्लेम में वो फंसेंगे इस वक्त, ठीक है। क्योंकि मैं कार्मिक की एनर्जी भी पिक कर पा रही, पता नहीं क्यों मैं पोर्टल पे बात करना चाहती थी इस वीडियो में, बट बहुत सारी एनर्जीज़ मतलब को लेकर के मैं बात करूँ इस मैसेज में, मुझे ये क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं इसमें सब कुछ ले रही हूँ। लाइक टेन पोर्टल भी है, DMDF एनर्जी भी रहेगी चैनलिंग, और आपकी कार्मिक एनर्जी भी रहेगी। तो कार्मिक्स की ये मैसेजेस मुझे अभी कार्मिक्स के लिए दिख रहा है। तो यहाँ जो DFs DMs के लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी वो ये रहेगी, रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई में नहीं आना है। कार्मिक्स जो कर रहे करने दो, दैट्स इट। अब फ्लो में रहो, फ्लो में रहोगे ना तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हाँ ये भी हो सकता है DMDF के कार्मिक्स भी टकराएं, ठीक है, आपस में, क्योंकि क्लैश तो ज़रूर होगा, क्लैश होगा। क्योंकि अगर ईगो किसी में है, किसी भी साइड के कार्मिक में है, क्योंकि हो सकता है, देखो दोनों साइड के कार्मिक्स में ईगो नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी साइड के कार्मिक में ईगो है, कार्मिक्स में, कार्मिक फैमिलीज़ में, या फिर कहीं कलीग्स में, तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ क्लैश होगी, वो ब्रेक होगा, वो ईगो ब्रेक होगा। क्योंकि डिवाइन को सब पसंद है, एक ईगो तो कभी बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो रावण का भी पसंद नहीं था उनको, ठीक है। तो जो कि रावण खुद शिव का इतना बड़ा भक्त था, ठीक है, शिव स्रोत लिख दिया जिसने, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना आप, तो वो चीज़ है। तो ये तो ब्रेक होगा यहाँ पे, तो आपको वहाँ फ्लो में रहना है। जस्ट एकदम ऐसे समझ लीजिए कि आपको उस वक्त बोलना ही नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है, होने दो। क्योंकि अगर आप बोलें तो आप जो सरफेस सिचुएशन है उसको, बनती सिचुएशन को बिगाड़ने का काम कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ आप शांत रहें, ऑब्जर्व करें, चुप रहें, कुछ बोल रहे हैं तो सुन लो थोड़ी देर। मैंने कल बताया था कई बार चुप्पी भी बहुत कुछ जो है संवार देती है, नहीं तो कई बार बोलना भी बहुत कुछ बिगाड़ देता है, वो चीज़ होती है। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ठीक है। माँ चंद्रघंटा से कल आपने यही सीखा होगा, मैंने अर्जेंट मैसेज दिया था, ठीक है, सहने की शक्ति थोड़ी सी वो अपनी बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है, वो काम करेगी यहाँ पे। क्योंकि अभी कार्मिक्स का ये चीज़ चलेगी, क्योंकि कार्मिक्स जब आपके साथ कुछ नहीं कर पाते तब दांव आता है उनका, कि जब आपसे आपके लिए कुछ भी चीज़ें अगर कोई करने की कोशिश करता है लाइक, तो वो जो सरफेस कार्मिक्स हैं आपके फैमिली कार्मिक्स से टकराते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे होती है। तो थोड़ा सा यहाँ बचने की कोशिश करना, DMDF के कार्मिक्स यहाँ पे क्लैश में आएंगे, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ वो ये है कि DMDF की एनर्जी मिसिंग एनर्जी में जा रही है, पता नहीं क्यों, पर ये चीज़ है। मैंने बोला था इंटेंस रहेगी यहाँ पे फीलिंग पोर्टल में, इस पोर्टल में जो DMDF की एनर्जी है वो इंटेंस रहेगी, मिसिंग में, इंटेंस मिसिंग में रहेगी, इंटेंस लव फीलिंग में रहेगी, इंटेंस रहेगी जो भी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको भी समझिएगा, क्योंकि ये जो मैसेज था ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। कहीं ना कहीं जो DF DM की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में जा रही है। DM तो हर्मिट में है, ठीक है, DM नहीं बोलेंगे, DM हर्मिट मोड में, लेकिन DF जो है वो हर्मिट में तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं हर्मिट जैसी सिचुएशन वो मिरर ज़रूर कर रही है। अपने अंदर रखे हुए हैं, शांत हैं, चुप हैं, नहीं बोलना चाहती, किसी से बात करने का मन नहीं है उनका, क्योंकि वो अभी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, सब कुछ देख रही है। बिल्कुल DMDF मेरे को इक्वल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँ, एकदम इक्वल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा इस चीज़ को भी, रेजोनेट होगा आप लोगों से अगर आप कलेक्टिव में हो, और अगर आप कलेक्टिव में नहीं हो तो जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा इसको। इसको ज़्यादा दिल से लगा करके हर्ट होना या फिर कुछ इधर उधर का सोचना वो मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं ड्रीम्स की बात करूँ तो ड्रीम्स में आप एक तो अपने आसपास के कार्मिक्स बहुत देख रहे हो, या रिलेटिव्स बहुत देख रहे हो, या DM के कार्मिक्स या रिलेटिव्स बहुत देख रहे हो। इस वक्त DM तो बहुत ही कम आ रहे हैं, रेयर आ रहे हैं, मतलब 10 सपनों में से आपको एक सपना DM का आता है, ऐसी सिचुएशन बन रखी है कुछ, ठीक है। कार्मिक्स की एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है पिछले पोर्टल्स में, बट कहीं ना कहीं कार्मिक्स के जो ड्रीम्स हैं वो अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि अभी सरफेस
ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्ट लेना बाकी है हम लोगों का, ठीक है? तो ग्राउंड रिजल्ट क्या आता है उस पर हमें ध्यान देना है। वो ऑब्जर्वेशन से ही सही होगा, फ्लो से ही सही होगा और एक्सेप्टेंस से ही सही होगा, अदरवाइज उसमें भी हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, हमारा बोलना यहाँ पे किसी भी एक कार्मिक फैमिली के साथ जाना, मतलब समझ रहे हो ना, दूसरे कार्मिक के सर पे एक वो बात बिठा देना है कि नहीं जी, इसके साथ वापस से ट्रिगरी सिचुएशन बनानी पड़ेगी वो वाली, तो वो कुछ नहीं करना आपको, ना उनका साइड लेना ना उनका, आप शांत रहो, वैसे वाली स्थिति में रहना है आपको। डीएम डीएफ दोनों के कार्मिक्स में क्लैश होगा, मैं श्योर हूँ उस चीज़ से। साथ में हो सकता है वो डीएफ को भी और डीएम को भी अपने अपने जो फैमिली मेम्बर है, लाइक अगर कार्मिक्स दोनों के ही हैं तो वो अपने डीएम डीएफ एनर्जी दोनों को ही ट्रिगर्स भी दे सकते हैं, मतलब अपने फैमिली मेम्बर को ही ट्रिगर दें। ऐसा हो सकता है कि वो उनकी फैमिली में डीएफ है तो उसको ही ट्रिगर करें, या फिर उनकी फैमिली में डीएम तो उसको ही ट्रिगर करें। कोशिश करेंगे चीज़ों को बिगाड़ने की कार्मिक्स, या तो खुद कोशिश करेंगे, आपका दिमाग ख़राब करने की वो कोशिश करेंगे, या हो सकता है वो इतना आपको परेशान कर दे कि आप ड्रेन हो जाओ, पर्ज में चले जाओ, आप रोना शुरू कर दो। ऐसा कुछ करें, जाओ साइड में कोने में, ठीक है, अकेले में, और बैठ के रो लो बढ़िया करके, बट प्लीज़ डाउन एनर्जी में नहीं जाना है। ये टैन टैन पोर्टल आपके लिए हैप्पी वाइब्स लेकर के आया है, बहुत कुछ लेकर के आया है। तो प्लीज़ जैसे आपके बिलीव्स होंगे चीज़ें वैसे होंगी, यहाँ पे यूनिवर्स वैसे ही वर्क कर रहे हैं, तो अपने बिलीव्स को अच्छा करिए, यहाँ पे बिलीव्स पे काम करिए अपने, ठीक है? वो चीज़ अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो थी डीएम डीएफ एनर्जी को लेकर के। यहाँ मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, पीजियंस, पैरट्स, काउ, क्रो, लिजार्ड, स्नैक, स्नैक तो भरपूर, मतलब हर जगह ही आपको, या फिर बटरफ्लाइज, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख रही है। तो ये सारे तो आपको इन्वायरमेंट साइन दे रहा है, ठीक है? अगर मैं एंजेलिक नंबर्स की बात करूँ तो अभी तो आपको सडन से सारे नंबर्स दिखना शुरू हो गए हैं, लाइक सब कुछ 6, 9, 11, 11, 9, 6 ट्रिपल नंबर्स सारे दिख रहे हैं। अब तक जो नंबर्स आपको रिपीट फॉर्म में, कुछ कुछ नंबर्स रिपीट होते थे कुछ दिन, लेकिन अब आपके साथ ये हो रहा है, आप सारे ही नंबर देख रहे हो, कभी भी कुछ भी नंबर दिख रहा है, आगे पीछे आगे पीछे, एक नंबर आपको बता दिया जाए वैसा कुछ दिख रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पर रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि नंबर्स आपको सारे दिख रहे हैं, तो ये चीज़ रेजोनेट होगी आपके साथ कि सारे ही नंबर आप देख रहे हो, ठीक है? एक चीज़ मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, आपके गुस्से को जगाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इशू है आपके अंदर एक फियर का और एक गुस्से का, मीन एग्रेशन और फियर, अगर ये इश्यूज अभी आपके अंदर हैं तो याद रखिएगा कार्मिक्स के जो ट्रिगर है वो आपको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, वो आपकी ये इशूज सरफेस पे ले आएंगे। तो इसलिए अगर इन्हें पहले से पहले हील कर लो, बैलेंस कर लो खुद को, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? वो ज़्यादा कामयाब रहेगी चीज़, और आपकी हेल्प भी करेगी कहीं ना कहीं ये चीज़। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, ठीक है? मैं डीएम डीएफ एनर्जी दे चुकी हूँ, और ये पोर्टल आपके लिए, कहते हैं नहीं, आपके पास एक समय ऐसा रहा होगा जब कुछ नहीं रहा होगा, मीन बहुत सारे अपनी सिचुएशंस फेस की होंगी, फाइनेंशियली, जॉब से लेके, हर चीज़ से लेके, लेकिन ये पोर्टल आपको बहुत कुछ दे करके जा रहा है। अब देखते हैं आपके बिलीव्स कैसे हैं, क्योंकि यहाँ बिलीव्स भी वर्क करेंगे। आपका ट्रस्ट पक्का है या फिर आपका ट्रस्ट ऐसे ही है कच्चा वाला, अपने डिवाइन पे, अपने माँ शक्ति पे, अपने शिव पे? तो जैसा ट्रस्ट होगा आप वैसे ही चीज़ें अचीव करोगे। मैंने पहले ही कहा था, जिसका जैसा वर्क होगा वो वैसे ही अचीवमेंट्स लेगा यहाँ पे, वैसे ही रिजल्ट देगा ये पोर्टल। तो टेन टेन पोर्टल की यही खासियत है कि जैसे आपके ट्रस्ट होंगे वो वैसे ही वर्क करेगी एनर्जी, ठीक है? तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, हैप्पी रखो, एकदम खुश वाइब में रहो, ठीक है? क्योंकि ये पोर्टल बहुत अच्छा है, और सडन से कुछ हो भी रहा है तो उसको लेट गो करो, ठीक है? लेट गो करना सीखो, मैंने सिखाया है, मैंने सारे अर्जेंट मैसेजेस में, अभी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस में लेकर के आई हूँ नवरात्रि के। अगर नहीं सुने तो ज़रूर से सुनिएगा। ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रहेगा अर्जेंट मैसेज सेल्फ लव पर, टेक केयर।